सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए 10 एशियन लीडर्स में से वियतनाम ने भारत की आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने को लेकर सहमति जताई है और वियतनाम का ये फैसला भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है और वास्तव में ये भारत के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि इस मेजर एक्सपोर्ट के साथ ही भारत दुनिया में मेजर वेपन सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में प्रवेश करेगा। तो आज के एपिसोड में हम भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में सबसे पहले ओमान और नेपाल को अपने इंसास असॉल्ट राइफल्स एक्सपोर्ट करके दुनिया के डिफेंस मार्केट में अपनी पहली शुरुआत करी थी। हालांकि भारत की ये पहली शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि नेपालीस आर्मी का कहना था कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की गई इंसास असॉल्ट राइफल्स में कई सारी खामियां हैं और ये कंटिन्यूस फायरिंग के दौरान बीच बीच में रुक जाती है, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि कंटिन्यूस फायरिंग के दौरान ये राइफल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्जर्स को इसके नॉर्मल होने का काफी इंतजार करना पड़ता है। हालांकि भारत ने नेपालीस आर्मी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, क्योंकि भारत का कहना था कि वे भी इस इंसास असॉल्ट राइफल को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, और कुछ समय बाद भारत ने इंसास असॉल्ट राइफल के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। हालांकि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन भारत ने तब से लेकर अभी तक अपनी छवि को पूरी तरह से बदल दिया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आज के समय में करीब 22 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जिनमें यूएस, यूके, इजराइल और रशिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। 2016 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 33 करोड़ डॉलर तक था, और 2016 में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने एक सेमिनार के दौरान कहा था कि अगले 2 सालों में इस डिफेंस एक्सपोर्ट को 33 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर करीब 2 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अगर बात करें भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो भारत यूएस को इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, फोर्जिंग इक्विपमेंट और फ्लाइट कंट्रोल पैनल्स, रशिया को सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स और सर्विसेज, और यूके को ट्रांसमिटिंग ट्यूब्स एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इसके साथ भारत अफगानिस्तान को चीता हेलीकॉप्टर, MI-24 और MI-35 हेलीकॉप्टर सप्लाई करता है, और साथ ही भारत द्वारा ओमान को जैगवार एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स और सर्विसेज भी सप्लाई किए जाते हैं। भारत द्वारा फ्रेंडली नेशंस को मिलिट्री ट्रक्स, SUVs और एम्बुलेंस जैसे मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और साथ ही भारत कई देशों को नेवल वेसल्स भी सप्लाई करता है। और 2018 तक भारत आर्मेनिया को DRDO के रडार्स, UAE को अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल और सऊदी अरेबिया को DRDO द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए वेपन्स सप्लाई करेगा। मौजूदा समय में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में 25वें नंबर पर आता है, लेकिन काफी लंबे समय से भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के बजाय लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो समय ज्यादा दूर नहीं जब भारत को लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वाले देशों में भी गिना जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।